मुजफ्फरपुर के लीची अनुसंधान केंद्र में घुसा बाढ़ का पानी, नए प्रभेद की लीचियों पर छाया संकट के बादल, 5 दिनों से बिना बिजली के गुजर रही जिंदगी, कर्मचारियों ने लगाई छुट्टी की गुहार। लीची अनुसंधान केंद्र में पानी घुसने से नए प्रभेद के लीचियों पर संकट के बादल छा गए हैं। इस परिसर में कुछ नए प्रभेद के पेड़ों को लगाकर उसकी कलमें लगाई जा रही थी, लेकिन अब बाढ़ का पानी सभी लीची के पौधों के जड़ों में को डुबा चुका है। डर है कि यदि यह पानी लंबे समय तक रह गया तो लीची के पेड़ सूख जाएंगे। अनुसंधान केंद्र में काम कर रहे कर्मचारी भी अब छुट्टी की मांग करने लगे हैं। सरकारी आवास, सरकारी कार्यालय सब पानी पानी हो चुका है। कर्मचारियों का कहना है कि हम रोज बिना पानी बिना बिजली के रहते हैं, साथ ही साथ सांप बिच्छू का डर भी हमेशा बना रहता है, इसलिए हम लोग की छुट्टी करने पर विचार किया जा रहा है। भयावह स्थिति है। कैसे कैसे? हम लोगों का नाला से पानी घुस रहा है भीतर में, और पानी पीने का भी यहाँ लाइन तो है नहीं, 5-7 दिन से बिजली नहीं है यहाँ। हम लोग दिन रात बेचैन है, किसी तरह 1-2 घंटा 4 घंटा जनरेटर चलता है जिससे हम लोगों का काम चलता है। अब सांप बिच्छी कल जो है 2-4 स्टाफ को बिच्छी भी डस लिया, सांप चढ़ जा रहा है जहाँ तहाँ, हम लोग आशंकित हैं। लैब्स वगैरह का? लैब्स में भी पानी अब जो है 1.5 घंटा के बाद हमको लगता है कि पहुँच जाएगा। अभी जैसा स्थिति है चारों तरफ तो पानी पहुँच ही गया है।